उनका एक्सप्लोरेशन जो है एक्सप्लोरेशन जी. सो वी आर कंडक्टिंग वन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन फाइटोफार्मास्यूटिकल ड्रग्स एंड ट्रेडिशनल मेडिसिंस. आई वुड लाइक टू जस्ट कन्वे एंड इन्फॉर्म यू ऑल पीपल दिस इज द फर्स्ट काइंड ऑफ इवेंट वी आर ऑर्गेनाइजिंग इन दिस इंस्टीट्यूशन. लाइक इफ वी टॉक अबाउट द इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, वी हैव आयुर्वेदा सिस्टम ऑफ मेडिसिन, वी हैव सिद्धा सिस्टम, वी हैव यूनानी सिस्टम. सो इफ वी सी द यूज ऑफ दीज ड्रग्स एज फार एज ह्यूमन हेल्थ केयर सिस्टम इज कंसर्न, सो वी फील दैट देर इज ह्यूज स्कोप ऑफ एफिकेसी, स्टैंडर्डाइजेशन, क्वालिटी. सी एस आई टिप्लाइम जम्मू और सोसाइटी फॉर इथनोफार्माकोलॉजी कोलकाता एक जॉइंटली इंटरनेशनल लेवल की कॉन्फ्रेंस जो है फाइटोफार्मास्यूटिकल ड्रग्स एंड ट्रेडिशनल मेडिसिन पे 16 से 18 फरवरी हमारे टिप्लाइम जम्मू कैंपस में ऑर्गेनाइज कर रही है. इस प्रोग्राम के बारे में मैं ये बताना चाहूँगा कि इंडिया वी हैव इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन लाइक आयुर्वेदा है, यूनानी सिस्टम है, देन सिद्धा सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, और ये जो मेडिसिन हैं वाइडली यूज़ हो रही हैं. और दूसरी तरफ अगर हम रिसोर्सेज को देखें तो इंडिया में ह्यूज बायोडाइवर्सिटी है, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, और इंडियन गवर्नमेंट में ने फाइटोफार्मास्यूटिकल गाइडलाइंस जो हैं वो इशू की हैं, जिसमें हमें ये गाइडलाइन अवेलेबल हैं. हम हर्बल ड्रग्स को स्टैंडर्डाइज कर सकते हैं, उनकी एफिकेसी स्टडीज़ कर सकते हैं, क्वालिटी कंट्रोल कर सकते हैं फॉर ह्यूमन यूज़. और ये कॉन्फ्रेंस जो है ये फॉर द फर्स्ट टाइम हमारे इंस्टीट्यूट में हो रही है, जिसमें फाइटोफार्मास्यूटिकल ड्रग्स को लेके डेलीब्रेशन जो है साइंटिफिक डेलीब्रेशंस होंगी. बाहर के मुल्कों से भी साइंटिस्ट जो हैं, डिस्टिंग्विश्ड रिसर्चर्स जो हैं, ऑल ओवर इंडिया से भी रिसर्चर्स जो हैं इसमें शामिल होंगे. इसके साथ साथ पॉलिसी मेकर जो हैं, जो हेल्थ केयर सिस्टम में पॉलिसी मेकर्स हैं, वो भी यहाँ होंगे और अपने आइडियाज़ जो हैं आइडियाज़ शेयर करेंगे, डेलीब्रेशन होंगी. और मुझे उम्मीद है कि इस तरीके की कॉन्फ्रेंस जो है इन ऐसे प्रोग्राम्स की अर्जेंट रिक्वायरमेंट है एज़ फार एज़ फाइटोफार्मास्यूटिकल ड्रग डेवलपमेंट जो इंडिया में है. हमारा ये फोकस है कि हम इंडियन जो ट्रेडिशनल नॉलेज को किस तरीके से रिवैलिडेट करें, स्टैंडर्डाइज करें, और फाइटोफार्मास्यूटिकल ड्रग्स किस तरीके से ग्लोबल पोजिशनिंग के लिए ले जा सकें.